मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। अकोला में हमारा हॉस्पिटल है जहाँ मनोरोग तथा व्यसनी लोगों को भर्ती करते हैं, रिश्तेदार उनके साथ में भर्ती करते हैं, बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। काफी सारे बच्चे इन दिनों में माँ बाप हमारे पास में लेके आते हैं और उनको काफी सारी समस्याएं बच्चों के बारे में रहती है, फिर उनको उनको काउंसलिंग करना पड़ता है माँ बाप को। और काउंसलिंग करते करते ऐसी बातें मालूम होती कि जो नहीं करना चाहिए वो माँ बाप करते रहते हैं और जो करना चाहिए वो करते नहीं। इसलिए मैं बोला कि भाई ठीक है, आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊं कि जिसमें डूज एंड डोंट्स पेरेंटिंग के बारे में ये आपको बताऊं। बच्चे के साथ में हम जब भाषा करते हैं, मतलब जब बातचीत करते हैं, तो हम उनके साथ में किस तरह की भाषा करते हैं वो बहुत महत्व का है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि तू बता, तेरे को अकल नहीं, समझता नहीं, इतना समझता नहीं तेरे को, ये क्या लगा के रखा है, मतलब ऐसा डांटते भी है, या तेरे को कुछ आएगा नहीं, तू कभी सीख सकेगा नहीं, तेरे को इतना भी आता नहीं, कितना आसान है ये, तू मूर्ख है, मतलब इस तरह की भाषा जब हम वापरते हैं तब उसके मन में वो काफ़ी असर करती है भाषा, और उसको ऐसा अपने बारे में एक लो सेल्फ एस्टीम, अपने खुद के बारे में एक स्वमन जो है वो एक कम हो जाता है, स्वमत जो है वो कम होते जाता है। तो वो हमने कभी भी अच्छी बात बच्चों के साथ में करनी चाहिए। बच्चों के साथ में जब हम कुछ इंटरेक्शन करते, बातचीत जब करते हैं ना, तो बच्चे जब पढ़ाई नहीं करते हैं तब हम उनसे बातचीत करते हैं कि पढ़ाई कर, तू इधर जा रहा उधर जा रहा, इतना घंटा खेला, इतने घंटा टीवी देखा, तो हम वो अप्रिशिएट नहीं करते। हम क्या करते, जो करना नहीं चाहिए उसके बारे में उसको डांटेंगे, उसको चिल्लाएंगे, और जो किया उसके बारे में बातचीत ही नहीं करते। मतलब उसने 15-20 मिनट भी पढ़ाई किया होगा या आधा घंटा भी पढ़ाई किया होगा, तो उसके बारे में यदि अप्रिशिएट करते, उसको अच्छा बोलते हैं, तो एक ख्याल रखना चाहिए माँ बाप ने कि जो चीज़ हम अप्रिशिएट करते रहते हैं, जो चीज़ के बारे में हम बोलते रहते हैं, वो चीज़ बड़ी हो जाती है। सो व्हाटएवर यू फोकस ऑन, इट गेट्स एक्सपांडेड, बड़ी हो जाती है। तो आप उसके नकारात्मक बिहेवियर के ऊपर फोकस करेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी, सकारात्मक बिहेवियर के ऊपर फोकस करेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी। बच्चों को जवाबदार बनाना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि माँ जो है वो बहुत प्यार के लिए, मतलब बहुत प्यार है या जो भी है उसके लिए, मतलब सब उसको बच्चों को रेडीमेड देते रहती, मतलब उनको बड़ा भी बच्चा हुआ तो भी उसको खाना हाथ से खिलाएंगी, उसको स्नान करवा के देंगी, मतलब खुद उसका स्नान करवाएगी बच्चे का, फिर उसको जो स्कूल का बैग है वो खुद पूरा तैयार करके देंगी, मतलब उसको सब पूरा रेडीमेड मिलते जाता है। उसे होता क्या है कि बच्चा डिपेंडेंट बनता है माँ बाप के ऊपर और उसको स्वयं कुछ करने का मतलब कोई ट्रेनिंग मिलता ही नहीं। बच्चों को खुद का खुद करने के लिए माँ बाप ने उसको प्रवृत्त करना चाहिए कि वो खुद करे। वो यदि खुद करता है तो वो जवाबदार बनेगा, उसको आसानी से आ जाएगा, धीरे धीरे वो ट्रेनिंग लेते जाएगा, सीखते जाएगा, उसको आसानी से बाद में आएगा और वो माँ बाप के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। फिर बड़ा होने के बाद में भी उसको अपने खुद के ऊपर काम करने की उसकी इच्छा रहेगी और वो जवाबदारी लेगा और खुद काम करेगा। वैसे हमने देखना है कि बच्चों के लिए कि भाई वो कौन से कंपनी में है। ऐसा बोला जाता है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपके पड़ोसी कौन से हैं, आपके उनके साथ में उनके बच्चे किस तरह के हैं, बच्चे जो खेलते हैं अपने वो किनके साथ में खेलते रहते हैं, जो बच्चों के साथ में खेलते हैं उनका उनके माँ बाप का बैकग्राउंड क्या है, मतलब जब हम सब देखेंगे बच्चों के बारे में तो हमको मालूम पड़ेगा कि हम बच्चे कौन से कंपनी में खेलते हैं, कौन से कंपनी में जाते हैं, कौन से कंपनी में पढ़ाई करते हैं, बच्चे कौन से सीरियल देखते हैं, कौन से स्कूल में जाते हैं, मतलब ये सब बहुत जरूरी है क्योंकि वातावरण जो है वो बच्चों का मानसिकता बनाता है। वैसे बच्चों को पास में रहना, उसको हक करना, उसको गोद में लेना, पीठ थपथपाना, उसको अप्रिशिएट करना, वो जरूरी है। बच्चे है ना प्यार के बहुत भूखे रहते हैं और बच्चों को स्पर्श जो है बहुत अच्छा लगता है माँ बाप का,
तो बच्चों को स्पर्श करना, उनको पास में लेना, गोद में लेना, वो बहुत ही अच्छा रहता है और उससे उनको बहुत अच्छा लगता है, अपनापन हो जाता है। और फिर ऐसा ऐसा स्टडीज में कहा गया है कि बच्चे बाहर बाहर क्यों रहते हैं, क्योंकि माँ बाप से उनको जितना फिजिकल कॉन्टैक्ट चाहिए उतना मिलता नहीं है, माँ बाप उनके हिस्से में आते ही नहीं है, इसलिए वो बच्चे बाहर बाहर बार बार रहना चालू कर देते हैं। और जब माँ बाप मिलते हैं तो उनको बोलते हैं ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो मत करो, तो उनको लगता है कि माँ बाप अपने खिलाफ ही है, एकदम कुछ करने देंगे नहीं, पास में तो लेंगे नहीं, तो उसको जो भी है वो बाहर मिलते रहता है बच्चों के साथ में, इसलिए बार 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 ज्यादा रहता है और उनका सुनता भी फिर है। माँ बाप की जो एक्शन है वो एक्शन बहुत महत्व की है, कृति। ऐसा बोला जाता है कि एक्शंस दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बच्चे माँ बाप की तरफ देखते हैं, माँ बाप उसको बोलते हैं कि झूठ मत बोल, कुछ झूठ बोलते हैं, टीवी मत देख, खुद टीवी देखते हैं, पढ़ाई करो, खुद पढ़ाई नहीं करते। तो माँ बाप क्या करते हैं उसके ऊपर बच्चों का ख्याल रहता है, तो इसलिए माँ जो हम बच्चों को बोल रहे हैं माँ बाप ने करना चाहिए, और बच्चे वो ही करेंगे जो माँ बाप करते हैं। तो इसलिए बच्चों के सामने माँ बाप का एक आदर्श है, बच्चे माँ बाप को इमिटेट करते हैं, उनकी पूरी कॉपी करते हैं, तो जो भी हम बच्चों को बोलते हैं हमने करना चाहिए। फिर दूसरा यह है कि बच्चों को बड़े स्कूल में डालना, बच्चे ने बहुत ज्यादा मार्क मिलाना, ये काय के लिए करना है, ये क्यों करना है माँ बाप को मालूम नहीं। माँ बाप इसलिए करते हैं कि मेरा बच्चा बड़े स्कूल में जा रहा है क्योंकि मेरा स्टेटस सिंबल है कि आई कैन अफोर्ड दैट, मैं इतनी फीस अफोर्ड कर सकता हूँ, या बच्चों को इतने मार्क मिले 90%, मतलब देखो मेरा बच्चा कितना होशियार है। तो खुद के लिए बच्चों को दाव पे लगाते, खुद के लिए बच्चों के ऊपर प्रेशराइज करेंगे कि भाई खुद का ज़रा कॉलर टाइट होना चाहिए अपने सोसाइटी में कि मेरा बच्चा ऐसा करता है, मेरा बच्चा वैसा है, मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा है। एक्चुअली बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को इतना प्रेशर 90% 95% का प्रेशर कि बच्चे जो है ना वो खुद का सेल्फ एक्सप्रेशन भूल जाते और कुछ जीते नहीं, सब प्रेशर के नीचे। और आजकल फिर बच्चों को डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देती है। रात में जब खाना खाते हैं हम, तो सबने साथ में भी खाना खाया, बच्चों के साथ में खाना खाया, कम से कम एक समय का भी खाना सब फैमिली में मिलके एक साथ खाना चाहिए। और हम जब खाना खाते हैं सब लोग मिलके, तो बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करना, आज स्कूल में क्या हुआ, बच्चों के साथ में क्या हुआ, क्या नया पढ़ाई किया, मतलब ऐसा पूरा इंटरेक्शन यदि करते हैं तो एक फैमिली बननेस का एक एटमॉस्फेयर तैयार हो जाएगा। और बच्चों को बिना कुछ सलाह दिए उनका सुनते रहते, सिर्फ सुनना 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 जो बोलते हो, तो उसका बहुत अच्छा असर बच्चों के ऊपर पड़ता है कि भाई अपने को सुन लिया माँ बाप ने, क्योंकि माँ बाप सुनते नहीं। देखो बच्चा बोलते रहता है, माँ खाना पकाते रहती, वो बच्चा बोल रहा है माँ खाना पका रही है, बच्चा कुछ बोल रहा है माँ टीवी देख रही है, पिताजी टीवी देख रहे हैं, और उसको ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ सुनते नहीं घर में। तो उसको बहुत जरूरी है कि भाई वो बोलता है और सुनना चाहिए, खाना खाने के समय यदि सुनते हैं एक साथ गपशप करते हैं तो बहुत मजा भी आ जाएंगे और उनको एक सुनने अपने को सुनने वाला कोई उसका उनको एक एहसास होगा। बच्चों को स्पर्धा में कोई भी खेल जो है, स्पर्धा जो है कॉम्पिटिशन अलग अलग होती है, उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए। मतलब ऐसे कोई खेल की जो अकेले खेलते हैं, अकेले जैसे चेस है फॉर एग्जाम्पल, अकेले खेला जाता है, या कैरम जो अकेले खेला जाता है, या फिर फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो वो ऐसे खेल जो है कि जो टीम में खेले जाते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन है, ड्रामा है, मतलब या कोई स्पर्धा है उसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को हम खेलने के लिए उनको प्रवृत्त करना चाहिए कि खेलो, जा हिस्सा लो, और फेल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब उनको फेल का मतलब सक्सेस का प्रेशर मत डालो, या फेल होंगे तो कोई बुरा ऐसा मत करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो बच्चे खेलेंगे और खेले, गिर गए तो गिर गए मतलब हार गए तो हार गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेलियर होना मतलब फेल होना कोई बुरी बात है ऐसा उनके मन में कभी भी बढ़ा, फेल हो गए बहुत ही अच्छा है, लर्निंग एक्सपीरियंस है, आप सक्सेस होते हैं या आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आप कभी फेल होते नहीं, ऐसा उनके मन के ऊपर डाल, तो फिर वो हिस्सा लेंगे, खेलते खेलते प्रैक्टिस हो जाएंगे, उसमें वो माहिर हो जाएंगे। बच्चे क्या होता है कि फेल हो जाएंगे, लोग हंसेंगे, इसलिए हिस्सा लेते नहीं, जिम्मेवारी लेते नहीं,
उनको बोलो कि कैप्टन बनो, टीम का कैप्टन बनो, अपने क्लास का मॉनिटर बनो, जो भी मतलब ऐसी जवाबदारी लो, जिम्मेवारी आप लेंगे तो मालूम पड़ेगा जिम्मेवारी कैसे निभाना पड़ता है, तो उससे उनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। रोज रात को जब बच्चे जब सोते हैं ना तो ऐसे हाफ हिप्नोटाइज स्टेज में रहते हैं, मतलब ऐसा कि ना पूरे सोए हैं ना पूरे जगे हैं, और वो अवस्था में उनको यदि हम अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, बड़े बड़े लोगों की कहानियां सुनाते हैं, जैसे महात्मा गांधी, विवेकानंद है, फिर महाभारत है, रामायण है, और कोई बड़ी कहानियां अच्छी या सक्सेस स्टोरीज कोई सुनाते हैं, तो उनका उसके ऊपर अच्छा असर हो जाता है। जब रात के समय जब वो हाफ हिप्नोटाइज स्टेज में रहते हैं, मतलब पूरे ना सोए ना जागे हुए, मुझे ख्याल है कि हम बच्चे जब थे, मैं जब बच्चा था तो हमारे दादाजी हमको लेके बैठते थे रोज रात को शाम को, और फिर उस समय खाना खाने के बाद में हमको लेके बैठेंगे और फिर बोलेंगे रास्ते के बाएं तरफ चलो, मतलब लेफ्ट साइड में चलने का है, झूठ कभी बोलने का नहीं, सत्य बोलते जाओ, फिर नहाना स्नान करना रोज जरूरी है, फिर सबका आदर करो, सम्मान करो, बड़ों का सम्मान, मतलब ऐसी बातें बताते रहते हो उस समय, मुझे अभी भी ख्याल है। तो शाम को जब हम उनको बार बार जब हैमरिंग करते हैं अच्छी बातों का, तो वो अंदर घुस जाती है सबकॉन्शियस माइंड में और उसका अच्छा असर होता है। बच्चे बार बार माता पिता को क्यों 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 पूछते रहते, और हम बच्चों को चुप बिठाते, बहुत हो गया, कितना बोलेगा, कितना पूछेगा, कितना दिमाग खराब, तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्यों, जब भी आप बोल रहे हैं जिसका जितना भी हम उसका आंसर कर सके उसका आंसर करो, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका इंक्विजिटिव माइंड रहता है, क्यों ऐसा क्यों वैसा क्यों ये क्यों वो क्यों, तो बस उसका जवाब देते जाना अपने को, और वो भी झूठा जवाब देने का नहीं, सच्चा जवाब देने का, और अपने को मालूम है तो बोला मुझे मालूम नहीं, अपन दोनों भी पूछेंगे किसको दोनों की क्या है इसका आंसर, तो उससे क्या होगा कि उनका इंक्विजिटिवनेस रहेगा, दबेगा नहीं, हरदम इंक्विजिटिव रहे। तो ये सब बातें बहुत ही जरूरी है, एक जवाबदार पालक करके हमने ये बातें यदि हमारे रोज के जीवन में लाई तो बच्चे बहुत अच्छे, उनका उनका पालन पोषण होगा, वो बड़े होंगे और एक जवाबदार नागरिक हमारे देश के बनेंगे और उसमें हमारे देश की तरक्की होगी। क्या होता है कि पालक बन जाते हैं भाई, मतलब ऐसा कोई जब हम रेफ्रिजरेटर लेते हैं, टीवी लेते तो उसका बुकलेट मिलता है उसको कैसा वापरना, शादी के बाद में कोई ऐसा बुकलेट नहीं है कि बच्चे पैदा कैसे करना और उसका उनका पालन पोषण कैसे करना, तो फिर जैसे पैदा हो गए वैसे है, जिनका पालन पोषण जैसा हो रहा वैसा है, ऐसा लोग चालू रहता है। तो इसलिए इस तरह का ये जो वीडियो है ये पालक लोगों को आप शेयर करो, जितने भी आपके दोस्त होंगे फ्रेंड्स होंगे उनको शेयर करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर फेसबुक ग्रुप के ऊपर शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बच्चों के बारे में, बच्चों को कैसा बड़ा करना, उनके ऊपर क्या जिम्मेवारी डालना, उनको कैसा उनका पालन पोषण कैसा करना, इसके बारे में जानकारी होगी और एक जवाबदार नागरिक हम तैयार करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।